एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों के लिए मैं रेलवे भर्ती 2024 यानी जितने बच्चे एनटीपीसी देने वाले हैं, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन या जेई कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, मैं चीजों को टॉपिक वाइज कवर कराने वाला हूँ। तो आज से मैं शुरुआत कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और बच्चों को अक्सर परेशान करता है। तो बस शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। जो बच्चे नए हैं चैनल से अभी से ही जुड़ जाइए, आपको यहां से काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का। सबसे पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, जिसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी व्यक्त कर सकते हैं, उसी को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। यानी ये कह लीजिए कि क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। इरेशनल नंबर की बात करते हैं, जिसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान देना, उसी को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर रेशनल नंबर की बात करते हैं, जो संख्याएं रिपीट करती हैं, इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं कह दूं कि 0.3333 यही है, तो ये संख्या रिपीट कर रही है, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा 0.3 बार हो जाएगा, यही है। तो 3 बार का मतलब क्या लिख सकते हैं, 3/9। देखिए, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 लिख सकते हैं, 1/3 यानी पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो संख्या रिपीट करती है ये भी बात सकते हैं कि वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। जो संख्या रिपीट नहीं करती है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा, यानी 0.3478924 इस तरीके से संख्याएं चलेंगी, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे √2 यानी √3, जिसका वर्गमूल ना निकले वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। जैसे आपका √9, ये भी आप लोगों का क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 है, 7 है, आपका इस बात का ध्यान देना। जैसे आप सभी लोगों का क्या है, 22/7, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है? बात समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी 2021 में पूछा है। आपको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको नोट करना है, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं यूनिट डिजिट की, देखिए वर्गमूल का मतलब है जिसका स्क्वायर रूट निकला है। जैसे √16, √16 का मतलब क्या है, 4, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? देखिए, कोई भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कौन सा यूनिट डिजिट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है, बिल्कुल 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा 0। 1 हो सकता है, बिल्कुल 11 का स्क्वायर करोगे 121 1 आता है। या किसी भी संख्या की स्क्वायर करोगे 2 आएगा, आप कहेंगे सर 2 नहीं आता है। क्या 3 आता है, आप कहेंगे नो सर 3 नहीं आता। 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 आता है। यानी कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कभी नहीं होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही है आपका। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये रूल नंबर फर्स्ट था। अगर सेकंड रूल की बात करते हैं तो आपको एक सेकंड रूल याद रखना है, कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी, उसके वर्ग करने के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? ये सेकेंड पॉइंट था। जैसे आपसे कोई कह दे कि भाई जैसे 369 दे दे, तो देखिए 169 तो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 369 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो यानी हाँ, लेकिन हर एक नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है जिसके अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे, इस बात का ध्यान देना। जैसे यही नंबर है 64, तो 8 का स्क्वायर कर दोगे 64। क्लियर है? बात समझ गए? तीसरा रूल अगर हम डिजिटल सम, आपको ये याद रखना है कि कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसका डिजिटल सम हमेशा कितना हो जाएगा, 1 4 7 9। ये आपको याद रखना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 को आपस में जोड़ दोगे 7, 5 का स्क्वायर 25, आपस में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7,
6 का स्क्वायर 36 आपस में जोड़ दोगे 9, यानी कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1479 ही होगा। क्लियर है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक किया करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि √2 बराबर 1.4 है तो √50 माइनस √18 का मान क्या होगा। देखिए √15 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका मतलब होता है 25 दूनी 50, इसका मतलब 9 दूनी 18। देखिए 25 का 5 बाहर हो जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 5√2, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√2, 9 का 3 बाहर हो जाएगा 3√2, तो 5√2 से 3√2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है √2 है तो यानी 2√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, 2√2 का मान 1.4 है, रख दोगे कितना हो जाएगा 2.8। 2.8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अभी अभी हमने आपको एग्जाम्पल लिया था √22 क्या है, एक ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कंटेंट मुझे खुद से बनाना होता है इसलिए बार थोड़ा सा बनाने में समस्या हो रही थी, यहाँ पे बार है। क्लियर है, इसके ऊपर क्या है बार, 0.0216 के ऊपर बार को न्यूनतम पदों में भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जैसे ए बी सी है, मैं कहूं बी सी के ऊपर बार लगा दो, तो इसको आप लिख सकते हैं देखिए ए बी सी, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे। अब देखिए जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9, जिसके ऊपर नहीं है 0, ए बी सी माइनस ए अपान 990, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब सेम वैसे यहां भी है, देखिए 216 हो जाएगा, 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0, तो इसका मतलब यहां से देखिए कितना हो जाएगा 216 ओह बटे कितना हो जाएगा 9990। ये देखिए 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा है तो 9 से काट देंगे, तो 9 से काटेंगे देखिए 9 दूनी 18 यही हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 24 आ गया, फिर 9 से काटेंगे तो 1111 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब इसको किससे काट देते हैं, तो इसको अगर मैं किससे काट देता हूँ 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो देखिए 3 8 24, इसको 3 से काट देते हैं तो देखिए 3 3 9, 3 3 9 कितना हो जाएगा 3 7 21, 200 370, फिर 2 से काट देते हैं 2 चौके 8, इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 185, यानी कितना आ गया 4/185। इनके बीच का अंतर ले लोगे 185 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा 181, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है यहाँ पे 0.13241। अब यहाँ पे देखिए 241 के ऊपर बार है, ध्यान देना, को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी और क्यू एक पूर्णांक है, तो आपसे कह रहा है क्यू इज नॉट इक्वल 0, यही आपसे कह रहा है। क्लियर है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे करेंगे, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। तो इसका मतलब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 13241 माइनस का कितना हो जाएगा 13, बटे कितना हो जाएगा, आप सभी लोगों को देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 00, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब इसी को आप लोगों को कैलकुलेट कर देना है, तो कैलकुलेट करेंगे देखिए 11 में से 3 गया 8, 3 में से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 2, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 3 में से 1 चला गया 2, यानी कितना हो जाएगा 1322, यही हो जाएगा। क्लियर है, 132 28, बटे कितना हो जाएगा 999 00, ये किससे कट रहा है एक बार देखिए 9 से चेक कर लीजिए, 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 1 16, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब किससे कट कर देते हैं, अगर 4 से कट कर दीजिए, 4 से काटते हैं तो देखिए 4 3 12, फिर 4 3 12, यही हो जाएगा, देखिए 4 3 12, 4 3 12, 0 बढ़ाएंगे 4 7 28, 3307 कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, नीचे कट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको 4 से काट देते हैं तो देखिए कितनी बार चला जाएगा, 4 2 8, देखिए 4 2 8 आपका 19 हुआ, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, फिर 4 चौके 16,
4 9 36, 4 7 28, 4 5 20, यानी 24 975, 33 07 / 24 975 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। कह रहा है ये 3√5 - 5/3√5 + 5 = a + b√5, तो बी का मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो कैसे करोगे ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसको इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दो क्योंकि कंपैरिजन करना है। माइनस का 5 बटे कितना है 3√5 प्लस का 5, यही है। अब इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3√5 माइनस का 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 3√5 माइनस का कितना हो जाएगा 5, यही है। देखिए ऊपर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यानी 3√5 यानी 3√5 का स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्ट करने चल रहा हूँ, 3 3 9 5 कितना हो जाएगा 45, यही हो जाएगा। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कर दोगे 25 माइनस 2ab, 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 3 30 यानी 30√5 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बटे, देखिए एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रेकेट में ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 3 9 5 45, 45 में से 25 घटा दोगे कितना हो जाएगा 20, इज इक्वल कितना हो जाएगा ए प्लस बी रूट फाइव, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 45 में 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आप लोगों का 5 5 10, 4 2 6 1 7 यानी 70 हो जाएगा। 45 25, 5 5 10 यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा 45 5 50 20, 70, 70 माइनस कितना हो जाएगा 30√5 और बटे कितना हो जाएगा 20, इज इक्वल कितना हो जाएगा ए प्लस बी रूट फाइव। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ 10 कॉमन कर लोगे, 10 कॉमन करोगे तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 - 3√5 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2a प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से यानी कितना हो जाएगा b इंटू 2√5, 2 उधर चला जाएगा। तो देखिए मुझे अब कंपेरिजन कर दो, मुझे बी का मान चाहिए तो इसका कंपेरिजन इससे कर देंगे, तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा बी इंटू 2√5 इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 3√5, यही हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों का रूट फाइव से तो रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बातें आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से देखिए मैं समझा रहा हूँ तब वक्त लग रहा है, पेपर में करेंगे तो ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, 25-30 सेकंड के अंदर सवाल बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है रूट फाइव और रूट सेवन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। देखिए इस सवाल में थोड़ा सेंस लगाया करिए, अगर मैं रूट फाइव की बात करता हूँ, देखिए अगर रूट चार होता तो 2 होता, एक बात तो तय है कि 2 समथिंग इसका नंबर होगा रूट फाइव का। अगर रूट सेवन की बात करते हैं तो अगर 9 होता तो 3 होता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 3 से कम होगा, लेस होगा, ध्यान देना 3 से कम होगा। देखिए 21 में 5 से भाग करोगे 5 4 20, 4 समथिंग आएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 5 16 में भाग करोगे तो 5 3 15, 3 समथिंग आएगा ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए 3 से कम होना चाहिए। देखिए 5 2 10 इसका मतलब देखिए 5 2 10 उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का 5 4 20, 2.4 ये बीच में आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको करोगे तो 1 समथिंग आएगा, ये भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखिए आप सभी लोगों का क्या है, यहाँ पे आप सभी लोगों का जो है यहाँ पे बार लगा है 5 4 के ऊपर है। क्लियर है, 0.0654 के ऊपर बार है, सही व्यंजक है। बार कह रहा है दशमलव को दोहराने का केवल एक संकेत देता है, तो कौन सा सही है, इसका आंसर क्या होगा। मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूं, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि चीजें मुझे भी पता चले कि आपको कहाँ पे समस्या आ रही है या कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो ये तो देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 25 मतलब 5, एक बात तो तय है कि ये परिमेय संख्या है।
12.96, ये भी आप लोगों का क्या है, एक परिमेय संख्या है, इस बात का ध्यान देना किसका वर्गमूल है आप लोग निकाल सकते हैं। अंडर रूट 25, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 पंचे 125 यानी 5 रूट 5, इसका मतलब इसका किसकी, ये किसका वर्गमूल है 23 का, तो एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही परिमेय संख्या नहीं है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, बात क्लियर हो गई कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, रेलवे से संबंधित में कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों के लिए यहाँ से काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।